नमस्कार दोस्तों, हाजिर है हम आपके सामने आज की तीन बड़ी खबर लेकर। पहली खबर है खेसारी लाल यादव से रिलेटेड। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने मंजुल ठाकुर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी को साइन की है और जिसका मुहूर्त शॉट मुंबई में किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ज्यादातर तो मंजुल ठाकुर की फिल्मों में निरहुआ और आम्रपाली रहते हैं, ये अचानक से खेसारी लाल यादव ने कहां से एंट्री मार ली। तो हम आपको यहां बताते हैं कि फिल्म के स्क्रिप्ट के डिमांड के हिसाब से ही इस फिल्म में खेसारी लाल यादव को लिया गया है। वैसे आपको बता दें कि मंजुल ठाकुर द्वारा निर्देशित भोजपुरी की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो मंजुल ठाकुर के साथ एक जबरदस्त फिल्म देने के लिए तैयार है। अब दूसरी खबर की तरफ मुड़ते हैं और दूसरी खबर है आपके रॉकस्टार पवन सिंह को लेकर। जी हाँ, पवन सिंह बॉक्स ऑफिस के ही नहीं बल्कि दिलों के भी रॉकस्टार हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पवन सिंह ने क्या कर दिया है कि हम उन्हें रॉकस्टार की पदवी दे रहे हैं। तो पवन सिंह ने वो किया है जो अब तक भोजपुरी के किसी स्टार ने नहीं किया है। जी हाँ, पवन सिंह ने अपने फ्रेंड प्रेम राय की एक फिल्म, यानी निर्देशक प्रेम राय की एक फिल्म को महज 111 रुपए में साइन की है। जी हाँ, ये अब तक के किसी भी एक्टर द्वारा ली गई सबसे कम रकम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों पवन सिंह ने ऐसा किया। तो भाई, हमने तो पहले ही आपको कहा था कि बॉक्स ऑफिस के वो रॉकस्टार हैं तो वो दिलों के भी रॉकस्टार हैं। पवन सिंह ने अपने फ्रेंड के लिए और एक नेक काम के लिए ही ये 111 रुपए की रकम लेकर उनकी फिल्म साइन की है। हाँ, ये बात और है कि फिल्म का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। फिल्म की स्टार कास्ट में सिर्फ पवन सिंह का ही नाम है और हीरोइन के बारे में कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिल्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमें मिलेगी तो हम आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। अब चलते हैं तीसरी और लास्ट खबर की ओर। तीसरी खबर भी पवन सिंह से ही रिलेटेड है, क्योंकि पवन सिंह अपनी फ्रेंड श्यामली का बर्थडे मनाना नहीं भूले। श्यामली का मुंबई में बर्थडे मनाया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक्ट्रेस श्यामली को आपने इससे पहले कई वीडियोस एल्बम में भी देखे होंगे और पवन सिंह के साथ वो फिल्मों में भी काम कर चुकी है। श्यामली को बर्थडे विश करने के लिए शुभी शर्मा भी पहुंची। हैव अ लुक टू पिक। यकीन है आपको हमारी ये तीनों खबर बहुत पसंद आई होगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।